हेलो फ्रेंड्स, इन्वेंशन ओपोर चैनल आपका स्वागत है। आज हम कैरी ऑन 4.1 स्पीकर का होम थिएटर को रिपेयर करके दिखाएंगे। इसमें बेस प्रॉब्लम है, तो पहले आपको बजा के सुनाता हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है। तो ये बज रहा है, बट इसका जो बेस है ना, वो बेस नहीं बज रहा है। इसका बेस फुल है, देख सकते हो फ्रेंड्स, फिर भी इसका बेस नहीं बढ़ रहा है। पहले इस होम थिएटर को खोल लेता हूँ, देखता हूँ खोल के इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब हम एक बैटरी से इस होम थिएटर का ऊपर को चेक करेंगे। तो हम एक बैटरी लेंगे इस, तो देख सकते हो फ्रेंड, इस ऊपर तो ठीक ही है, तो ये ऊपर ठीक है, तो इसका बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है लगता है। तो इसका बोर्ड में देखता हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर जल चुका है, दोनों ट्रांजिस्टर। तो हम इस दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। तो पहले इसका जो हीट सिंक है, इसको मैं खोल लेंगे। खोलने के बाद इसका जो ट्रांजिस्टर है, उसको मैं चेंज कर दूंगा। इस होम थिएटर की सर्किट बोर्ड में चार ट्रांजिस्टर है, इसमें से 2 20 30, 2 20 50। तो यहाँ पे 20-50 ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है, जो होम थिएटर के ऊपर को कंट्रोल करता है। तो अब हम यहाँ पे चारों ट्रांजिस्टर को ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इस ट्रांजिस्टर को खोल लेता हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से आप इस ट्रांजिस्टर को खोल सकते हो, देख सकते हो फ्रेंड, मैं कितनी आसानी से इसको खोल लिया है। तो यहाँ पे इसको खोलने के बाद मैं नया ट्रांजिस्टर लगा दूंगा। तो इसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे इस होम थिएटर को चेक करके दिखाऊंगा कि कैसा बज रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें नया ट्रांजिस्टर है 20-30 और 20-50। तो अभी मैं चार ट्रांजिस्टर ले लूँगा। तो ये 20-30 और 20-50 ट्रांजिस्टर है यहाँ पे। तो अब हम एक एक करके लगा देंगे। ठीक से ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा जहाँ पे 20-50 है। तो पहले मैं यहाँ पे 20-50 ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों 20-50 ट्रांजिस्टर लगेगा, और इसके बाद जो दो ट्रांजिस्टर लगेगा वो 20-30 लगेगा। तो यहाँ पे मैं 20-30 ट्रांजिस्टर लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा ट्रांजिस्टर लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पीछे से सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद इसको मैं सेट करके इसको बजा कर दिखाता हूँ कि होम थिएटर कैसे बज रहा है, इसका बेस कितना अच्छा बज रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक हीट सिंक पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर हीट होगा, वो हीट इस एल्यूमिनियम में चला जाएगा, एल्यूमिनियम हीट सिंक में चला जाएगा। अब हम इस एल्यूमिनियम हीट सिंक को लगा के इस ट्रांजिस्टर को अच्छे से स्क्रू से कस देंगे, अच्छे से टाइट करके कस देंगे। तो इसको कसने के बाद इस बोर्ड को मैं होम थिएटर में सेट करके आपको इसका साउंड सुनाता हूँ कि इसका साउंड कितना अच्छा हुआ है, इसका बेस कितना अच्छा पड़ रहा है। फ्रेंड्स मेरा तो काम हो गया है, अब हम इसको होम थिएटर में सेट करके इसको चला के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इस होम थिएटर को रिपेयर करने के बाद देख सकते हो इसका साउंड कितना अच्छा रहा है, इसका बेस चल रहा है कि नहीं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा रखा है, देख सकते हो फ्रेंड, इसका कागज़ का टुकड़ा कितना जोर से वाइब्रेट हो रहा है, और देख सकते हो इसका कितना अच्छा सा साउंड आ रहा है।